नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसत्तावन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की इस अमर कविता के मुख्य पात्र झांसी के सबसे बड़े मर्द रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए 1857 में लड़ी गई पहली जंग में 2 जून 1858 को ग्वालियर किले पर बागी सेना का परचम फहरा दिया था। जनवरी 1858 में अंग्रेज सेना ने झांसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और मार्च में शहर को घेर लिया था। हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक भाग निकली। रानी झांसी से कालपी पहुंची और तात्या टोपे से जा मिली। तात्या और रानी की संयुक्त सेनाओं के ग्वालियर आने की खबर सुनकर अंग्रेजों से नाराज ग्वालियर की सेना ने विद्रोह कर दिया। 1 जून की शाम ग्वालियर की विद्रोही सेना के सहयोग से रानी ने ग्वालियर के अजय किले को घेर लिया। 2 जून को सुबह ग्वालियर की सेना की बताई कमजोर प्राचीर को तोड़कर विद्रोही सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर के कम उम्र के महाराजा जयाजी राव सिंधिया कूटनीति के तहत भागकर अंग्रेजों की शरण में आगरा चले गए। अंग्रेजों के लिए ये खबर शर्मनाक थी। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ सेना मैदान में उतार दी। महारानी लक्ष्मीबाई अपने वफादार घोड़े पर सवार अंग्रेजों पर बिजली की तरह टूट पड़ी और अंग्रेजों का सफाया कर तेजी से आगे बढ़ने लगी। लड़ते लड़ते वो एक नाले तक जा पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका घोड़ा अड़ गया। मौके की गनीमत देख अंग्रेज सैनिकों ने लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने आखिरी वक्त तक बहादुरी से लड़ते कई अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला, लेकिन आखिर में उन्हें भी अपनी जान से कुर्बानी देनी पड़ी। इस तरह 18 जून 1858 का दिन ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। 2 दिन बाद जयाजी राव सिंधिया ने जीत की खुशी में जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के सम्मान में ग्वालियर में भोज दिया। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।